दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने हैं, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली में सियासी ड्रामा भी चल रहा है। कहीं स्टिंग तो कहीं कूड़े के पहाड़ को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी ने गुरुवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ समेत 4 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अलावा सुशील मोदी भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। दिल्ली के सभी सांसदों को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। नगर निगम चुनाव में बीजेपी के कुल 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतरेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया और पार्टी के खिलाफ एक आरोप पत्र भी जारी किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह बिधुड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप पत्र पढ़ते हुए दावा किया कि इसमें उठाए गए मुद्दों की पड़ताल कर ली गई है। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उनके साथ इस पर बहस करने की चुनौती भी दी है। इस बीच आप पार्टी पर सांसद रमेश बिधुड़ी ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सांसद रमेश बिधुड़ी ने आरोप लगाया, अपने 8 साल के शासन में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी और शहर की हर गली में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देकर इसे नशे की राजधानी भी बना दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा यमुना की सफाई के लिए 2500 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाने के बाद भी अपनी पार्टी की सरकार में यह नदी गंदे पानी का नाला बनी हुई है। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पंजाब की।